तू सारी सारी रतिया अपनी निंदिया को मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को तूने वारी है हो माँ हो माँ हो माँ हरी माँ आपको कभी प्राप्त नहीं होना है। मैंने देखे हैं कई लोगों को जिन्होंने अपनी माँ को रुलाते हुए देखा है, लेकिन महाराज वो भी मैंने मंजर देखा है कि ऐसे लोग कभी जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं कभी भी जिंदगी में सुख को प्राप्त नहीं करते। अगर दुनिया में आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पहले प्रथम करो अपने माँ बाप को खुश रखना सीख जाओ। महाराज खुले दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में मंदिर में भगवान की तो फिर नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप घर में संतों की सेवा नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए महाराज, लेकिन अगर आप अपने घर में माता पिता की सेवा करते हैं इससे बड़ा फल आपके जीवन में कोई नहीं हो सकता महाराज, कोई नहीं हो सकता। मैं अपना जीवन का उद्देश्य बताता हूँ, चार वर्ष की उम्र से अगर दुनिया में लेकर संत बना हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य छोड़ दिया। आज भी जब भी जाता हूँ अपनी माँ से यही निवेदन करता हूँ, माँ जब आवश्यकता पड़े आप मत बुलाना परीक्षा लेना कि मैं आप तक पहुँचता हूँ या नहीं पहुँचता, बुलाना मत मेरी परीक्षा लेना कि मैं आपकी आप में आपके साथ होता हूँ या नहीं होता। अगर मैं संत बनाऊं इसके पीछे भी एक कारण है कि सिर्फ एक माँ की नहीं दुनिया में बैठी हजारों माँओं की सेवा कर पाऊं, ये मेरे संत बनने का उद्देश्य है। हर घर का एक संत निकलना चाहिए, उसका कारण माँ की सेवा है महाराज। देश रक्षा भारत माँ माँ तो माँ माँ देश रक्षा का प्रण लेते हैं तो भी महाराज माँ की सेवा करने का ही हमारे मन में मंतव्य उठता है, तब जाकर के देश रक्षा और मां की रक्षा का प्रण ले पाते हैं। आज महाराज जितने भी लोग यहाँ पर हैं जीवन में एक प्रण ले लो, माँ बाप की सेवा करोगे महाराज तो ही आपका जीवन सफल होना है। एक शायर ने कहा है कि लूट लो इस क्षण को, लूट लो इस क्षण को, पूर्ण कर लो इस प्रण को, माँ बैठी है घर में मन लो अपनी माँ को महाराज मना लो। नानी भाई भाई अपने पिताजी को पिताजी आज मेरे माँ होती ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। पिताजी कहने लगे बेटा तुम चिंता मत करो, जितना तुम्हें चाहिए उतना माहिरा मैं भरूंगा, आज तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। नानी भाई कहने लगी ऐसे पिताजी के बिना तो मैं बिना बाप की बेटी होती हूँ तो भी चल जाता। पिताजी कहने लगे बेटा इतना बुरा बुरा मत बोल, मैं तुम्हें आज कहता हूँ जो मायरे पत्रिका भेजी थी उसमें तुम्हें तुम्हें मायरा थोड़ा लिखा, अभी के अभी घर जा और जितना मायरा और लिख सकते हो उतना मायरा और लिख करके आना, कोई चिंता नहीं मेरा सांवरिया मायरा भरेगा। ऐसा कह करके मेरे नरसिंह जी महाराज नानी भाई को कहने लगे गाओ बेटा राधे गोविंद का नाम। नानी भाई और नरसिंह जी अब नानी भाई बहुत प्रसन्न है, जब पिता ने उन्हें ढांढस बधाई की और मायरा लिख के आओ नानी भाई प्रसन्न होती हैं और नरसिंह जी और नानी भाई मिलकर के बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं।
मेरा तू तो गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम ले। हरि का प्यारा नाम है मन भजले। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। नानी भाई प्रसन्न होती है भगवान का नाम गा करके।